आज अगर हम लोग बीजेपी को नहीं जिताता तो शायद हम लोग को ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये घुट घुट के मरने से अच्छा तो एक बार मर जाना। उनके पास फोर्स भी है, हर कुछ है, 70 रुपया का गोली लगेगा, सबको एक बार चुभा दे, बात खत्म कर ले। उनको क्या थोड़ा सा भी मतलब डर नहीं लगता कि इलेक्शन आ रहा है? भारत की जनता, आप ही बोलिए हम लोगों को, अगर हमारे जमीन पे हम असम में ही हम लोग सेफ नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा तकलीफ में हम लोग को दिया है कि हम लोग रास्ता में भिखारी का माफिया हम लोग रहा है, सामान रखने का जगह नहीं है, अभी हम लोग किराए में, हम रिटायर हो गया है। आज अगर हम लोग बीजेपी को नहीं जिताता तो शायद हम लोग को ये दिन देखना नहीं पड़ता, समझे? ये दिन देखने के लिए हम लोग खुद अपने पैर में टांगी मारा है, जिसके लिए हम अभी भी अनुरोध करेंगे, जो राजा है और हम प्रजा है, हम उनको अपने रक्षा के लिए उनको जिताएं, बैठाएं गद्दी पे, हमको रक्षा करे वो आके, अन्यथा हमको घर से कर दे हैं। अभी हम रास्ते पर आ गए, बाल बच्चा रास्ते पे है, तो अभी हम क्या करेंगे? हमको कोई रास्ता दे। ये घुट घुट के मरने से अच्छा तो एक बार मर जाना। फेब्रुअरी मंथ से जो हमारे साथ निष्ठुरता हुआ है यहाँ पे, जो इविक्शन के नाम पे हमको हमारे घर से ही बेघर कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ के नेटिव लोग हैं और हम लोग यहाँ के लोकल ट्राइबल लोग हैं, फिर भी उन लोगों ने हम लोगों के साथ ये बर्बरता किया है असम सरकार ने। और मैं बीजेपी सरकार को दुहाई देती हूँ कि हम लोगों को जिस तरह से उन लोगों ने जो अन्याय किया है, उस अन्याय के खिलाफ आज हम आवाज़ उठा रहे हैं। असम के सीएम हेमंत ने जो इवैक्शन किया है उसमें विदाउट एनी नोटिफिकेशन नहीं था, और सट से आके इवैक्टेड कर लिया सबको, जितना घर बारी था सब तोड़ दिया। और हम लोग अगर बिफोर नोटिफिकेशन में कर लिया, ठीक है मान लिया, ये अगर सिलसा को बिल बोला है, अभी बिल में 2008 का एक है, बोला गया है 2008 का एक है, 2008 से 2023 तक क्या कर रहा था इसमें 2008 में अगर एक बनाया वाटर बॉडी एक, 2020 तक डेवलपमेंट चला, गवर्नमेंट का तरफ से रास्ता बनाया, जहाँ पे टोरा उसमें गवर्नमेंट का सेंक्शन है, रास्ता भी बनाया, तो बिफोर एंड और 2001 से क्यों डिमार्केशन करके नहीं रखा है? 2008 से अगर डिमार्केशन करके रखता तो हम कोई आदमी यहाँ घुसता भी नहीं है, कोई आदमी घर बनाने की हिम्मत भी नहीं होता। जितना भी हम लोग प्रतिवाद करते जा रहे हैं तभी भी एक कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है हम लोग का इधर, मतलब सरकार की तरफ से हम लोग को इधर कुछ भी मतलब सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम लोग दिन भर दिन जाते रहते हैं तो हम लोग धरना दे रहे हैं। लेकिन हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि कितना दिन तक हम लोग ऐसे रास्ते में धरना देंगे? कुछ व्यवस्था करके दीजिए सरकार। सरकार क्यों ऐसे चुपचाप बैठे है? क्योंकि सरकार को क्या डर नहीं है क्या इलेक्शन जो आ रहा है? हम लोग जो राइज है, हम लोग जो लोग हैं, हम लोग जो ऐसे रास्ते में आके जो प्रतिवाद कर रहे हैं उनको क्या थोड़ा सा भी मतलब डर नहीं लगता कि इलेक्शन आ रहा है? थोड़ा सा भी तो उनको सोचना चाहिए कि हम लोग ही तो इलेक्शन में काम आएंगे उनके, वो तो SMEs है ना, वो खुद SMEs होके हम लोगों का साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का यहाँ पर जो मतलब उच्छेद किया है, आज देखिए 27 फरवरी से जो उच्छेद किया था, इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर धर्मघट का अनुष्ठान हम लोगों ने किया। आज 3 दिन धर्मघट करने के बाद 3 दिन हम लोग अनशन भी यहाँ पर मनाया, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के जो हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था वो सिर्फ फॉरवर्ड करके रख दिया उन्होंने, इसका कोई रिजल्ट हम लोग के पास नहीं आया है। आज हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है, आज इसके बाद हम लोग के पास कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग इससे भी बड़ा एक जंगी आंदोलन यहाँ पर क्रिएट करके रख देंगे। उन्होंने जो ये ज़मीन लिया हुआ था, ये ज़मीन तो हमने पैसा से लिया है, उस टाइम तो ये हिल हाको बिल का कोई नाम निशाना ही नहीं था, ठीक है ना? और ये अभी हिल हाको बिल बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया और टूटना फूटना शुरू कर दिया। जब एक आदमी एक जगह पर 10 साल रहेगा है, जब नरेंद्र मोदी खुद बोला है कि उस देश का वो नागरिक है, तो ऐसा क्यों है? ये तो मेरे को समझ में नहीं आता ये सरकार से। लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में जो कागज है, जो डॉक्यूमेंट है, वो 2008 का पहले का है डॉक्यूमेंट है। अगर सरकार 2008 में वो वाटर बॉडीज लाए थे तो ये 2008 का पहले का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है? वो ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है? खुद सरकार आके मुझे बताइए कि सरकार जैसा भी है, आप लोग सो रहे हैं बैठ रहे हैं, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग अभी इधर धरना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा दिन आएगा कि हम लोग रास्ते में निकल के जाएंगे ये तो डेफिनेटली है। इसीलिए उनको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि इलेक्शन आ रहे हैं।